यहाँ देखो यार, पूरा गौशाला दब चुका है भाई। बाकी भाई अभी इस वाले पहाड़ से देखो और यहाँ से देखो भाई, कितनी तगड़ी वाली बारिश आने पर लग गई है। तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ भी आने पर लग गई है। बाकी भाई यहाँ देखो, ये वाला पुश्ता भी टूट रखा है और यहाँ देखो पूरा भाई, ये वाला रोल है ना, अब ये पूरा इस ओर के लिए आ रखा था खेत के बगल में, पूरा खेत को बहा करके ले गया नीचे देखो। और यहाँ से देखो भाई ऊपर देखो, कितने खतरनाक खतरनाक पुश्ते टूट रखे हैं। यहाँ भी देखो भाई, पूरा मकान के नीचे का पुश्ता टूट चुका है। और यहाँ देखो भाई, बाकी गधेरे के हाल तो देख ही सकते हैं। बाकी इस वाले रोलर को देखो भाई, कितना भयंकर आ रखा था कल शाम के टाइम पे। यहाँ देखो भाई, कितना ज़्यादा भाग करके ले गया, पूरा खेत को ही ले गया भाग करके। और ये देखो भाई यहाँ पर, ओ भाई। बाकी भाई कल शाम के टाइम पे ना, इतनी खतरनाक वाली बारिश आई ना, इतनी खतरनाक वाली बारिश आई ना, 9:30 बजे से बारिश शुरू हो गई थी और ठीक 1 बजे तक, मतलब 1 बजे मैं सो गया था तब तक बारिश आ ही रही थी। वाह, अभी इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश आ रही थी ना भाई, क्या ही बताए उस बारिश के बारे में। तो कल शाम बारिश आई तो उस बारिश ने कितना ज़्यादा नुकसान किया हुआ है, तो उस नुकसान को आज मैं पूरा वीडियो में बताऊँगा। कि भाई यहाँ भी देखे गौशाला के नीचे जो पूरा वाला पुश्ता टूट के ठीक वहाँ जा रखा है नीचे टूट करके। और यहाँ देखो भाई, यहाँ तो पूरा गौशाला ही दब गया भाई। यहाँ देखो यार, पूरा गौशाला दब चुका है भाई। तो पूरा गौशाला में देखो, पूरा गौशाला में ना पुश्ता और पत्थर पुत्थर मिट्टी चलेगी। यहाँ ऊपर से देखो भाई, ठीक स्कूल वाला पुश्ता टूट करके ठीक यहाँ नीचे आ गया। बाकी देखो, जो ये स्कूल वाला पुश्ता था ना, वहाँ से टूट करके भाई ठीक यहाँ देखो, पूरा गौशाला ही दबा दी भाई इस वाला पुश्ता ने। ये देखो भाई, यहाँ रास्ता था, मतलब कितना ज़्यादा मिट्टी यहाँ पर आ गई है रास्ते में। तो यहाँ पर देखो यार, पूरी गौशाला ही दब चुकी है भाई, इतना खतरनाक पुश्ता आया भाई ऊपर से। तो अभी बारिश भी हल्की फुल्की से लगी हुई है और मैं जा रहा हूँ फिलहाल पल्ली छाला वाले गौशाला में, तो वहाँ से गांव का व्यू थोड़ी अच्छा ही दिखाई देता है। तो वहाँ से बताऊँगा मैं आपको कि गाँव में कितना ज़्यादा नुकसान हो रखा है कल शाम का। बाकी यहाँ देखो भाई, पूर्वनिया नदी ने ना आज पूरे खेत बहा रखे हैं कल शाम के टाइम पर। तो पूर्वनिया नदी ना, यहाँ देखो पूरे जो पीछे खेत दिख रहे हैं, तो इन वाले खेतों में पूरी जा रखी थी भाई पूर्वनिया नदी। तो अभी भी देखो, अभी भी काफ़ी ज़्यादा पानी हो रखा है, बट उतना मतलब कल शाम के टाइम पर ना, यहाँ देखो भाई, ये वाले साइड और पल्ले साइड के खेत ना पूरा बहा करके ले गया देखो। बाकी यहाँ पर भी देखो यार, दो दो पुश्ते टूट गए ये वाले भी। तो कल शाम के बारिश ने ना इतना ज़्यादा नुकसान किया, पुश्ते तो इतने टूटे, अनगिनत पुश्ते टूट गए भाई गाँव में। तो मतलब वैसे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो पुश्ते इतने ज़्यादा टूट गए भाई, क्या ही बताएं। और नदी भी इतनी ज़्यादा, इतनी खतरनाक आई ना, पूरे खेत मतलब कहीं सारे तो बह गए खेत, और कहीं सारे खेत में पूरी नदी चलेगी और कहीं सारे खेत की फसल भी दब गई नीचे भाई। देखो भाई, कल शाम के टाइम पर ना ये वाला खेत भी देखो पूरा बह चुका है, और ठीक यहाँ नदी के पल्ली साइड वाले खेत भी पूरे बह चुके हैं। बाकी देखो भाई, ये वाला खेत देखो पूरा बह चुका है, और यहाँ नीचे भी देखो कितनी ज़्यादा नदी गई भाई। बाकी भाई इन वाले खेतों को देखो पूरा, यहाँ ना कल शाम के टाइम पर पूरी नदी आ रखी थी, यहाँ देखो भाई पूरी फसल बह चुकी है यहाँ की। और पल्ली साइड के खेतों में देखो भाई, इस वाले खेत में तो पूरा रेत ही रेत चले गए भाई, यही उगेगा इस वाले खेत में अनाज। तो यहाँ पर देखो भाई, कितने ज़्यादा पुश्ते टूट रखे हैं। तो इस जो स्कूल से पुश्ता आ रखा है, तो उसने पूरा गौशाला ही दबा रखा है भाई। यहाँ देखो भाई, पूरे खेतों में ना पूरा कीचड़ ही कीचड़ आ गया है। तो ये आया सीधा रास्ते से ऊपर, तो यहाँ पर एक छोटा सा रोलर है, तो उस वाले रोलर से आया ये पूरा। तो यहाँ पर देखो भाई, पूरा खेत में आ रखा था ये वाला रोलर। तो ये वाला रोलर भी जब आता है ना भाई, इतना भयंकर आता है ना, तो इसको आर पार करनी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अभी के टाइम पर देखो, अभी के टाइम पर मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा है भाई, ये पूरा रास्ते में आता है, यहाँ नीचे से पूरा रास्ते में आता है। देखो भाई, पूरे खेत में ना रेत ही रेत चले गया भाई, पूरा खेत ही। देखो भाई, यहाँ पर देखो कितने सारे पत्थर जमा हो रखे हैं। बाकी यहाँ पर से गांव की ओर नज़र डालो भाई, कितने सारे पुश्ते टूट रखे हैं। तो कुछ पुश्ते तो यहाँ से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पुश्ता ना यहाँ इस वाली लोकेशन पर टूट रखे हैं, और गाँव की तरफ से मतलब कम ही टूट रखे हैं। बाकी गाँव की तरफ से यहाँ पर से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी कल शाम से लाइट नहीं थी, क्योंकि कल शाम तगड़ी वाली बारिश आ रही थी, इसलिए लाइट नहीं थी कल शाम से। तो सुबह के टाइम पे आ गई थी लाइट,
तो सुबह के टाइम पे भी थोड़ी बहुत आई लाइट, बाकी दोपहर 12-1 बजे के करीब आ गई थी लाइट। तो तब से मैंने अपना फ़ोन को चार्ज करके रख दिया था। अभी के मौसम में देखो भाई, गांव की लोकेशन कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो इस ओर ना कोहरा देखो भाई, कोहरा कितना गजब का लगा हुआ है। बाकी आजकल तो खेतों में चारों ओर हरियाली हरियाली फैली हुई है। तो अभी भी थोड़ी देर बारिश आई, अब बंद हो गई है बारिश। तो अब चलते हैं हम फटाफट से भाई। बाकी यहाँ पर से देखो रास्ता पूरा खेत में चले गया भाई, पूरा रास्ता टूट करके खेत में चले गया यहाँ पर। बाकी जहाँ ना पूरी नदी खेत में आ रखी है, वहाँ मुझे जाना चाहिए था अभी, तो वहाँ मैं अभी नहीं गया क्योंकि मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ और दिखाऊँ। तो मुझे और भी सारे काम रहते हैं, इसलिए अगर मैं फ्री रहता तो मैं वहाँ जाता और आपको दिखाता कि ऐसा ऐसा यहाँ हो रखा है। पूरी नदी भाई खेत को बहा करके ले गई पूरी साफ। बाकी यहाँ पर देखो भाई, पुश्ता टूट करके और जितने भी छोटे छोटे पत्थर थे ना, पूरे रोले में चले गए बह करके। बाकी एक बड़ा सा पत्थर रह रखा है यहाँ पर। बाकी भाई हमारे गांव में तो उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं हो रखा है कल शाम का। तो बारिश तो काफ़ी तगड़ी वाली लगी हुई थी, बट नुकसान उतना ज़्यादा नहीं हुआ। ओली गाँव की खबर आ रही थी जो कि हमारे गाँव से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो वहाँ भाई एक गौशाला भी पूरी नदी में बह करके चलेगी और एक पुल भी, जो मोटर पुल यानी कि जिस पुल में गाड़ियाँ चलती थी वो वाला पुल भी पूरा बह चुका है। तो एक गौशाला भी साफ गई और लाइटिंग, एक किसी का मतलब घर के सामने से भाई लाइटिंग भी चले गया। बल मतलब मैंने सुना भाई, मैंने देखा नहीं, तो एक लाइटिंग भी वहाँ से बह करके चलेगी सीधे नदी में। बाकी गौशाला गई तो गौशाला में थे गाय भैंस बैल बकरी जो भी उनके थे वो पालतू जानवर, उनमें से कोई भी नहीं बचा भाई। तो सुबह मतलब खबर आ रही थी एक बैल और एक बकरी मिली भाई, बाकी कुछ भी चीज़ नहीं मिली वहाँ से। बाकी वो था छोटा वाला रौला, अगर छोटा वाला रौले से ना ठीक पूर्णिया नदी में बह करके गए होंगे तो वहाँ से तो भाई पता नहीं कितने दूर गए। बाकी यार दुख तो हमें भी हो रहा है इस बात का कि पहाड़ों में ऐसी दुर्घटनाएँ हो रही है, तो काफ़ी अफसोस की बातें हैं ये भी। तो आजकल ना मौसम काफ़ी ज़्यादा भयंकर बारिश करने पे लग गया है, दिन प्रतिदिन बारिश हो रही है भाई। लगभग लगभग एक महीने के करीब हो गया होगा तब से लगातार बारिश लगी हुई है भाई। तो एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब बारिश ना आए। तो आजकल वैसे भी बरसात का मौसम है तो आजकल हमें भी संभल के चलना पड़ता है। बाकी मैं तो पहाड़ों की बात बता रहा हूँ, बाकी शहरों में तो, पहाड़ों में तो वैसे सोशल मीडिया वाले नहीं रहते हैं, बाकी पहाड़ों में भी बहुत सारे घटनाएं होते हैं। तो हम तो पहाड़ की बात कर रहे हैं, बाकी शहरों में भी इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही है आजकल के टाइम पे। तो मतलब कहीं सारे हम टीवी में न्यूज़ देखते हैं तो कहीं सारे गाड़ियां और कहीं सारे भाई मकान टूटते हैं, कहीं सारे बिल्डिंगें टूटते हैं भाई। तो उनमें सोचो मतलब कहीं सारे लोग नदी में बहते, बरसात के मौसम पे मतलब मनुष्य के लिए कितना कठिन जीवन रहता है। यहाँ पर देखो भाई, पूरा रोला ना पूरा खेत में आ चुका है, पूरा खेत को बहा करके ले गया। तो यहाँ पर भी देखो पूरी दीवार टूट करके रोला में बह गई भाई नीचे कि भाई इस वाले रोले के देखो पूरा रास्ते में गए यहाँ से, और यहाँ पर से ना पूरा पुश्ता टूट करके नीचे चले गया था। और यहाँ पर गाय भैंस को निकालने के लिए देखो लकड़ी लगा रखी नीचे से, फिर ऊपर से पत्थर रख रखे हैं उसमें दो चार,